अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में नहीं चलेगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राजधानी में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती है, जो कि कामयाब नहीं होगा। बीजेपी आम आदमी की पार्टी गिराने की साजिश कर रही है, जिसे कि फेल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां तक कहा कि सीबीआई के छापे बीजेपी की ही साजिश है। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि सीबीआई ईडी की रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, ये रेड सिर्फ पार्टी को गिराने की एक साजिश मात्र है। मनीष सिसोदिया ने इसके पहले बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से सीएम की कुर्सी का ऑफर आया, अगर वो पार्टी को तोड़ देते हैं तो उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया जाएगा। इसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के लोटस ऑपरेशन की बात कही। मनीष सिसोदिया ने दावा करते हुए कहा है कि उनके पास बीजेपी नेता की रिकॉर्डिंग है, जिसमें ऑफर वाली बात कही गई है। सिसोदिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय आने पर वो रिकॉर्डिंग को जारी कर देंगे। वहीं इन आरोपों पर मनोज तिवारी ने सवाल उठा दिए कि अगर मनीष सिसोदिया की फ़ोन सीबीआई ने जब्त कर लिया है तो उन्हें कॉल या मैसेज कौन से फ़ोन पर आए। आपको बता दें कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि हम गुजरात में नशाबंदी जारी रखेंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा, गुजरात की तरह दिल्ली में नकली दारू तो नहीं बिक रही।